न्यूज़लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सर के ताजातरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेदा गिरिडीह। 50 रुपए नहीं देने पर भंडारीडीह के युवक को चाकू मारकर अपराधियों ने कर दी निर्मम हत्या। विरोध में सड़क जाम, अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। भाजपा ने मनाया विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। झंडा मैदान से टावर चौक तक तिरंगा लेकर निकाला गया मौन जुलूस। कांग्रेस का 6 दिन से चल रही भारत गौरव यात्रा का आज हुआ समापन। रंगारंग देशभक्ति कार्यक्रम का भी हुआ आयोजन। और जोहार कलमकार मंच झारखंड की ओर से आयोजित हुआ कवि सम्मेलन। कवियों ने एक से बढ़कर एक कविता की पाठ। इलाके के भंडारीडीह के आजाद नगर में 3 अपराधियों ने चाकू से वार कर एक युवक की निर्मम हत्या कर दी है। मृत युवक का नाम मोहम्मद जावेद है, जो भंडारीडीह के आजाद नगर का रहने वाला है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने भंडारीडीह चांदनी चौक में सड़क जाम कर दिया है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू, DSP संजय राणा, इंस्पेक्टर अनिल कुमार, नगर थाना प्रभारी RN चौधरी, पचम्बा थाना प्रभारी सौरभ राज समेत भारी संख्या में पुलिस के जवान मौके पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को समझाने में जुटे हुए हैं। घटना के बाबत बताया गया कि भंडारीडीह के आजाद नगर का रहने वाला मोहम्मद जावेद रात करीब 1 बजे अखाड़ा देखकर वापस आ रहा था। इसी दौरान जैसे ही जावेद आजाद नगर मोड़ के पास पहुंचा तो अचानक 3 अपराधियों ने पहले जावेद को रोक दिया और 50 रुपए की मांग की। पैसे नहीं देने पर 3 अपराधियों ने अचानक जावेद के ऊपर चाकू से वार करना शुरू कर दिया। इसी दौरान जावेद की मौत हो गई। इधर बताया गया कि 3 अपराधियों ने इसके पूर्व भी रात को कई लोगों के ऊपर चाकू से वार कर 3-4 लोगों को घायल किया है। घटना के बाद पुलिस 3 अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। मन चैन से बड़ी शांति से लोगों ने जीवन व्यतीत किया है। इस तरह की आपराधिक घटनाएं गिरिडीह के चेहरे पर एक कलंक है। पुलिस प्रशासन के तमाम पदाधिकारियों से जो मेरी बात हुई है, अपराधी चिन्हित किए जा चुके हैं और हमें उम्मीद है कि हमारी पुलिस बहुत जल्दी उन्हें कानून के दायरे में ले आएगी। इस दुखद घटना का एक मानवीय पहलू और है कि मृतक की पत्नी और उसके बच्चे बड़े ही गरीब स्थिति में है। सरकार के तरफ से जो भी सहायता की राशि या जो भी चीज़ें हैं वो तो उनको मुहैया होंगी, लेकिन एक समाज के नाते हमारा आपका कर्तव्य भी यह बनता है कि पीड़ित मृतक की पत्नी के जीवन यापन के लिए कुछ मदद हम लोगों की तरफ से। हमने अपने साथियों से आग्रह किया है कि एक बैंक अकाउंट उसका खुलवा दें और मदद के तौर पर हम लोग छोटी बड़ी राशि इकट्ठा करके उनके जीवन जीने का रास्ता बेहतर बनाएं। और हमें उम्मीद है कि दोषियों को कठोरतम कार्रवाई मिलेगी और ये समाज उस मृतक की पीड़ित पत्नी और बच्चों के बेहतर भविष्य का ख्याल रखेगा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शाम 4 बजे झंडा मैदान से टावर चौक तक तिरंगा लेकर मौन जुलूस निकालकर किया गया। टावर चौक पहुंचते ही यह सभा जुलूस में तब्दील हो गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व कोडरमा सांसद डॉक्टर रविंद्र कुमार राय उपस्थित थे। टावर चौक से संबोधित करते हुए पूर्व सांसद रविंद्र राय ने कहा कि 14 अगस्त 1947 की तारीख भारत कभी नहीं भूल सकता है। उन्होंने कहा कि उस दिन एक तरफ 200 वर्षों की गुलामी के बाद आज़ादी मिलने वाली थी तो वहीं दूसरी ओर देश के 2 टुकड़े हो रहे थे। लाखों लोग इधर से उधर हो गए, घर बार छूटा, परिवार छूटा, लाखों की जाने गई। यह दर्द था विभाजन का। उन्होंने कहा कि विभाजन के कारण हुई हिंसा और नासमझी में की गई नफरत से लाखों लोग विसंपत्ति हो गए। उन लोगों के बलिदान और संघर्ष की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मना रहे हैं। मौके पर जम्मू विधायक केदार हाजरा, गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय सहबादी, भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, प्रभारी महापौर प्रकाश सेठ, सुनील पासवान, कामेश्वर पासवान, भाजपा नेता चुन्नूकांत,
संगीता सेठ, शालिनी वैसिका, संजू देवी, पूनम प्रकाश, नवीन सिन्हा, संजीत सिंह, पप्पू, हरविंदर सिंह बग्गा, रंजन सिन्हा, नवनीत सिंह समेत कई संख्या में भाजपा के नेता, कार्यकर्ता व अन्य लोग उपस्थित थे। सुना होगा आजादी के 75 साल में 14 अगस्त को कभी किसी ने आपको याद नहीं किया, लेकिन आज की इस ऐतिहासिक सभा में उपस्थित गिरिडीह के पूर्व विधायक भाई निर्मय साहब आदि जी मंचा से किया पुरुषार्थ दिखाया कि 14 अगस्त को भी याद करने की हिम्मत दिखाई और योजना बनाई। किसी भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को, किसी भी नेता को यह हिम्मत नहीं हुई कि आज के पहले कि 14 अगस्त को भी कोई राजनीतिक समारोह, सामाजिक समारोह, राष्ट्रीय समारोह हो सकता है क्या? कोई कल्पना नहीं कर सकता था, कोई सपने में भी नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान को आजादी मिलने के पहले इतना बड़ा कत्लेआम होगा। आज तिरंगे के शक्ल में, घर घर तिरंगा फहराने के शक्ल में वो बाहर आ गया है और हम देश के लिए, एकता अखंडता के लिए हम नव प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। हमको आज के लिए संकल्प लेना है कि आने वाले दिनों में हमारा भारत एकता और अखंडता के साथ मजबूती से आगे बढ़े। भारत के टुकड़े करने वाले, भारत के ऊपर में आक्रमण करने वाले होश में रहे और भारत को चुनौती देने का काम कभी नहीं करे, इसी का संकल्प आज हमको लेना है। और भारत का जो विभाजन हुआ है वो किस परिस्थिति में हुआ, इसका विस्तार से हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर देश के सभी जिलों में पिछले 9 अगस्त से लगातार 6 दिन से चल रही भारत गौरव पद यात्रा का गिरिडीह जिले में आज पचम्बा से चलकर गिरिडीह टावर चौक पर समापन हुआ। आपको बताते चले कि यह गौरव यात्रा राजधनवार कांग्रेस आश्रम से शुरू हुई थी, जो बरमसिया भरकट्टा द्वार पहरी होते हुए आज गिरिडीह पहुंची। इस पद यात्रा में भारी मात्रा में महिलाओं, युवाओं और आदिवासी साथियों ने ढोल नगाड़े के साथ भाग लिया। कार्यक्रम समापन स्थल पर एक रंगारंग देशभक्ति कार्यक्रम भी स्थानीय कलाकारों द्वारा किया गया। यात्रा के दौरान भारी बारिश के बीच भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश कम नहीं हुआ और लगातार तिरंगा हाथ में लेकर महात्मा गांधी अमर रहे, भारत माता की जय, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अमर रहे के नारे लगाते रहे। समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा ने कहा कि आज आजादी को 75 वर्ष हो चुके हैं, देश में एक नई पीढ़ी आ चुकी है जो देश की आजादी कैसे आई इसके बारे में जानकारी देना है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सतीश केडिया ने कहा कि यह गौरव यात्रा बहुत ही सफल रही है और हजारों युवा इस पद यात्रा से कांग्रेस की ओर आकर्षित हुए हैं और यह पद यात्रा अपने मकसद में पूरी तरह सफल है। कांग्रेस नेता अजय सिन्हा ने कहा, यह गौरव यात्रा देश की आजादी की गौरव गाथा को बताने के लिए और कांग्रेस की गौरव गाथा को देश के युवाओं के समक्ष रखने के लिए की गई है, जो पूरी तरह सफल रही। इस कार्यक्रम के समापन के पश्चात परेश नाथ मिश्रा को इस पद यात्रा में लगातार 6 दिन साथ चलने के लिए शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया।
इस अवसर पर मुख्य रूप से जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हसनैन अली, यश सिन्हा, शशि शर्मा, इतवारी महतो, मुरली मंडल, मोहम्मद गुलाम मुस्तफा, सचिदानंद सिंह, निरंजन राय, चंद्रशेखर सिंह, धनंजय सिंह, बिलाल हुसैन, मरकूब आलम, निसार अहमद, ऋषिकेश मिश्रा, तनवीर हयात, गुलाम घोष सहित सैकड़ों कांग्रेस कर्मी उपस्थित थे। पदयात्रा कार्यक्रम देख रहे हैं आप, मीडिया के लोग हैं, आपको मालूम होगा, जानकारी होगी कि लगातार पिछले 6 दिनों से 9 अगस्त से ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है। हमारे सभी साथी सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, युवा और आदिवासी, दलित, सभी बंधु समाज के लोग लगातार आज धनवार से आज ये लगभग 80 किलोमीटर की यात्रा यहाँ पहुंचकर आज हम संपन्न करेंगे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ। और इस यात्रा का मकसद कि आज जो आजादी बहुत मुश्किल से हमारे शहीदों ने पाई है, 1857 से लेकर 1947 तक 90 वर्षों का आजादी का इतिहास है, इसमें कांग्रेस पार्टी का क्या योगदान है, हमारे साथियों ने इस मुल्क के लिए क्या कुर्बानी दी है, यह बताने के लिए ये भारत गौरव यात्रा पूरे भारत के सभी जिलों में आयोजित की गई थी, जिसका समापन आज पूरे भारत में एक साथ आजादी की पूर्व संध्या पर किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में रविवार को शहर के गांधी चौक स्थित रॉयल दरबार में जहार कलमकार मंच झारखंड की ओर से कवि सम्मेलन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर गिरिडीह मंच इकाई के अध्यक्ष पूनम सहाय, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, जोहार अलंकार मंच के मुख्य संरक्षक व उद्योगपति गुरवंत सिंह मोगिया, संस्थापिका अध्यक्ष डॉक्टर ममता मंजरी, महासचिव डॉक्टर अनुज कुमार उपस्थित थे। जिले के प्रसिद्ध कवियों में पूर्व पोस्ट मास्टर नवीन सिन्हा, महेश अमन, डॉक्टर आरती वर्मा, पूनम चौधरी, डॉक्टर विनय मिश्रा, राजेश पाठक, उदय शंकर उपाध्याय, डॉक्टर पुष्पा सिन्हा, सुमन गौरीसरिया उपस्थित थे। कवि सम्मेलन के दौरान उपस्थित कवियों ने अपने काव्य पाठ से लोगों को जागरूक करने का काम किया। साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर देश के स्वतंत्रता से संबंधित काव्य पाठ भी किए गए। कवियों ने बेटी रक्षा, देश की रक्षा, समाज समेत कई बिंदुओं पर कविता के माध्यम से अपनी बातों को रखा। इस बाबत उद्योगपति गुणवंत सिंह मोगिया ने कहा कि इस तरह से कार्यक्रम का आयोजन होने से कवियों का मनोबल और बढ़ता है, साथ ही कवि भी एक मार्ग दिखाने का काम करते हैं। इस कार्यक्रम में कवियों को भी प्रेरित करते हुए आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कवि सम्मेलन मनाया गया। कहा कि उपस्थित जिले के सभी कवियों ने एक से बढ़कर एक कविता और पाठ पढ़े। मुझे बहुत खुशी है कि सभी कवियों को एवं उनको सम्मानित किया जा रहा है और एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है जिसमें कवियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कवि अगर आगे बढ़ते हैं, प्रेरित होते हैं, तभी उनकी कविता और आगे बढ़ेगी। और मैं ये कह सकता हूँ कि अपने घर में अकेले कवि अगर कविता करेंगे तो उनका उत्साह टूट जाएगा। आज उनका उत्साह बढ़ाने का काम और इनको आगे समाज के सामने प्रेरित करने का जो काम किया गया है, मैं इसमें अपनी ओर से पूरी तरह मैं अपना समर्थन देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यथाशक्ति इसको और आगे बढ़ाया जाए ताकि हमारे देश में इनके ओर से जो लेखनी से जो विकास किया जा सकता है, लेखनी से जो बताया जा सकता है हमारे इतिहास के बारे में या अन्य बहुत सारी बातें जो लोगों को जानकारी दी जाती है, इसका प्रभाव और बढ़े और लोग इससे लाभान्वित हों और हमारा देश गौरवान्वित हो। धन्यवाद। साहित्य मंच के तहत आज हम लोग यहाँ पर आज़ादी का 75वां वर्षगांठ अमृत महोत्सव को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस संस्था का गठन हमारी स्टेट अध्यक्ष संस्थापिका ममता सपन बनर्जी हैं, जिन्होंने 22 मई को इस संस्था का गठन किया और हम लोग आज यहाँ पर दूसरी बार एकत्रित हुए हैं अपने कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। सभी कवियाँ कवि गिरिडीह शहर के ही जाने माने चिर परिचित व्यक्ति हैं। हम लोग का उद्देश्य इस मंच का गठन करने का है कि जो साहित्यकार और कवि हमारे शहर में हैं लेकिन उनको सही पहचान नहीं मिल पा रही है, उनको एक छत्र के नीचे ला के उनको वो पहचान दिलाई जाए और वो सम्मान दिया जाए जो एक साहित्यकार और एक कलाकार जिस चीज का हकदार होता है। अब तो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जबरदस्त कुछ और खबरों के साथ आप देखते रहे न्यूज़ लाइन।
उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउटडोर, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहां के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है। तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114 मोदी लेदा गिरिडीह। 19 वर्षों से धनबाद सहित कई जिलों में अपनी सेवा देता आ रहा धनबाद का सुप्रसिद्ध नर्सिंग होम सर्वमंगला नर्सिंग होम। सर्वमंगला नर्सिंग होम के CMO डॉक्टर सर्वमंगला प्रसाद के कुशल नेतृत्व में नर्सिंग होम संचालित है। डॉक्टर सर्वमंगला प्रसाद स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ सहित नर्सिंग होम के कई अन्य रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को इलाज की सुविधा दी जा रही है। इस योजना के तहत आयुष्मान परिवार को 5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। यहाँ आने वाले मरीजों के लिए नर्सिंग होम कैंपस में ही सभी तरह की सुविधाएं, जैसे जांच की सुविधा, कैंटीन की सुविधा सहित और भी कई सुविधाएं उपलब्ध है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा एम्बुलेंस की भी सुविधा दी जा रही है। एक बार अवश्य पधारें। नर्सिंग होम का पता सर्वमंगला नर्सिंग होम, मेमको मोड़, निकट हवाई अड्डा, धनबाद। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया मगरपुर सवेरा रोड, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहां गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखे, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, COD गिरिडीह। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए, हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बर रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल, कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में। गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, DAV, SSBM, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट पैंट, जीन्स, टी शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स,
फ्रॉक टॉप नाइटी गरारा सरारा लहंगा चुनरी गाउन प्लाजो बावा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस कचहरी चौक गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब रुके तो कुछ खबरों की ओर। झारखंड के माननीय राज्यपाल रमेश बिस और राज्य विश्वविद्यालय के कुलदीप डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा के कर कमलों के द्वारा स्कॉलर बीएड कॉलेज के उप प्राचार्य डॉक्टर शालिनी खोवाला के द्वारा लिखे गए 3 पुस्तकों का विमोचन दिनांक आज राज्य विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में सुसंपन्न हुआ। याद हो कि राज्य विश्वविद्यालय में बीते शुक्रवार को साइबर पीस सेंटर ऑफ एक्सलेंस के उद्घाटन के कार्यक्रम के दौरान ही डॉक्टर खोवाला की 3 पुस्तकों जो कि नई शिक्षा नीति 2020 केंद्र नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुरूप तैयार किया गया है उनका विमोचन भी किया गया। हिंदी काव्य एवं काव्य का इतिहास शारीरिक शिक्षा के वैज्ञानिक मूलाधार और पर्यावरण अध्ययन विमोचन के दौरान राज्य विश्वविद्यालय के रजिस्टर व समस्त प्रशासनिक अधिकारियों एवं अनेकों गणमान्य लोग उपस्थित थे। ये 3 पुस्तक स्नातक के विद्यार्थियों के वास्तविक जरूरतों और उनके पाठ्यक्रम को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी मानकों को ध्यान में रखकर पुस्तक को लिखा गया है जिससे सभी विद्यार्थियों को अधिक से अधिक जानकारियों को प्राप्त कर सकेंगे। डॉक्टर शालिनी गिरिडीह के स्कॉलर बीएड कॉलेज में बतौर उप प्राचार्य अपने अनुभव और ज्ञान को शिक्षा जगत को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयासरत है। डीपीएस पब्लिक स्कूल गांवा की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव और 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा रैली निकाली गई। इस अवसर पर बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया और नारे भी लगाए। डीपीएस स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि इस तरह के आयोजन से बच्चों में देशभक्ति के प्रति उत्साह बढ़ता है, बच्चों में देशभक्ति की भावना जागृत होती है। इस तिरंगा रैली में स्कूल के छात्र छात्राओं सहित शिक्षक शिक्षिकाओं ने हिस्सा लिया। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा गिरिडीह के बैनर तले आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर नेताजी चौक से टावर चौक कालीबाड़ी मगतपुर होते हुए कचहरी चौक तक तिरंगा यात्रा निकाला गया। इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष छोटू खान कर रहे थे। कार्यक्रम में अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री सोनू एजाज, भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे मुख्य रूप से उपस्थित थे। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज अल्पसंख्यक मोर्चा के बैनर तले आयोजित इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों को घर घर तिरंगा लगाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। सोनू एजाज ने कहा, तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों को भारत के गौरवशाली इतिहास को बताने का काम भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा कर रही है। कार्यक्रम में इसके अलावा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला महामंत्री इरफान अंसारी, मोहम्मद जाहूर, मोहम्मद मकसूद, सागर खान, बबलू खान, शेखू खान, फरान, अनवर अंसारी, आजाद अंसारी, समीम अंसारी, समीर खान, टिंगू खान सहित सैकड़ों संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग शामिल थे। झारखंड वासियों को मैं अपील करता हूँ कि अपने अपने घर पे झंडा लगाकर झंडा फहराएं और हम सभी के घर पे झंडा लगाने का काम किया है और झंडा भी दिया है। इस अवसर पे हम लोग, हमारा तिरंगा का आन बान शान है और हम लोग इस तिरंगा को हमेशा ऊंचा रखने का काम कर रहे हैं और आगे का हम लोग झंडा लगाने का और प्रयास करेंगे और इसको सफल बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। जाति मोर्चा की ओर से बनियाड़ी के गांधीनगर में एएससी मोर्चा के मध्य भाग के उपाध्यक्ष मनोज तुरी के नेतृत्व में प्रभात फेरी निकाली गई। इस प्रभात फेरी में एएससी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता सुनील पासवान, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य चुन्नू खान, भाजपा नेता सुरेश मंडल, वहां के स्थानीय सोनू तुरी,
बम सिंह मुन्ना सिंह के साथ यहाँ के दलित बस्ती की माताएं बहने छोटे छोटे बच्चे सभी तिरंगा प्रभात फेरी में गांधीनगर के छोटे छोटे गलियों में भ्रमण करते हुए बजरंगबली के प्रांगण में प्रभात फेरी कार्यक्रम को समापन किया गया। प्रदेश प्रवक्ता सुनील पासवान ने कहा कि पूरा देश हमारा आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उसी कड़ी में आज बनिया डी के गांधीनगर में दलित बस्ती में हम लोगों ने प्रभात फेरी निकाली है और इस प्रभात फेरी के क्रम में जिस तरह से यहां प्रत्येक घरों में झंडा देखने को मिला, निश्चित रूप से यह हमारा तिरंगा पूरे देश की एकता अखंडता को एक सूत्र में पिरोए हुए है। इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता चिन्नूकांत ने कहा कि हमारा देश आजाद हुए 75 वर्ष हो गए और उसी कड़ी में हम लोगों ने प्रभात फेरी निकाला है। आजादी की लड़ाई लड़कर वीर जवानों ने सीमाओं पर अपनी कुर्बानी दी है, वीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज बनियाडी की पावन भूमि गांधीनगर में हमारे एससी मोर्चा के इस मध्य भाग मंडल के उपाध्यक्ष मनोज पुरी के नेतृत्व में यहाँ के और गांधीनगर के संपूर्ण वासी के नेतृत्व में आज तिरंगे गलियों से निकल करके और पूरे भाग के आज बजरंगबली के प्रांगण में आज तिरंगा यात्रा समाप्त हुआ। इसमें हमें देखने की खुशी ये मिली कि यहाँ पर हर वर्ग के लोग, हर लोगों के, हर एक भारतीय होने का गौरव प्राप्त हुआ, जो कि हमारे तिरंगा का एक शान है। ये तिरंगा घरों घरों पर लहराते हुए नजर आया और साथ में महिलाएं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे क्रम में हम लोगों के बीच, हम लोगों के साथ में हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आदरणीय चिन्नूकांत जी और हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश मंडल जी एवं तमाम गांधीनगर के, हमारे गांधीनगर के माताएं बहनें एवं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। और आज हम लोग यहाँ बनियाडी गांधीनगर में मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि विपरीत मौसम में भी बारिश हो रही है, इसके बावजूद बच्चों में, महिलाओं में, युवाओं में क्या जोश और भारत में जी रहे हैं। इसलिए इस मौके पर जब आज़ादी का 75वां वर्षगांठ और देश अमृत महोत्सव मना रहा है, हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को इस 75वीं अमृत महोत्सव के मौके पर बधाई देना चाहते हैं, शुभकामना देना चाहते हैं और एक अपील आपके माध्यम से करना चाहते हैं कि आज अंदाज आप भी लगा सकते हैं। और इस मौके पर बस हम इतना कहना चाहेंगे कि देश अपने तिरंगे पर अभिमान करता है, ये तिरंगा मेरा स्वाभिमान है और इसकी रक्षा के लिए, इसको लाने के लिए न जाने लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है। ये था हमारा आज का, फिर मिलते अगले कुछ खबरों के साथ, तब तक लीजिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।